कॉल, यस रिमेम्बर? यस सो माई होल आइडिया ऑफ डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, वाई आई एम यू नो जगलिंग विद सो मेनी थिंग्स एंड आई एम डेस्परेटली सीकिंग समथिंग, बिकॉज आई एक्टिवली फील दैट माई फेथ इज यू नो क्लाउडेड समवेयर. इट इज बीनीथ सर्टन थिंग बिकॉज दिस फेथ वॉज वेरी वेरी एक्टिव इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट 22-23 ईयर्स ऑफ माई लाइफ. आई हैड अ ब्लाइंड फेथ, आई नेवर क्वेश्चन्ड एनीथिंग, यू नो. एंड बट ऑफ कोर्स विद सर्टन एक्सपीरियंसेस एंड एवरी थिंग, आई थिंक अ लॉट ऑफ फियर दैट आई एक्सपीरियंसड एंड देन आई गॉट फार अवे फ्रॉम माई ओन नेचुरल सेल्फ. आई डेंट हियर माई ओन सेल्फ. आई वॉज वेरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम माई ओन सेल्फ. सो प्रॉब्ली दैट वॉज वन वेरी बिग रीजन दैट आई डोंट नो वेन डिड आई मूव सो फार अवे. एंड कैन दैट सीकिंग यू नो दैट अनईज दैट हैज विथ मी यू नो सिंस लास्ट 20 ईयर्स एज फार एज आई कैन रिमेम्बर. And but now it is becoming more and more reaching the peak kind, you know. But when you give us these prayers, I absolutely understand and I find this idea very bright and I want to do it so badly. But you know that faith thing, like you know, I just lose it like anything. It's I read it, I know, I want to do it. I literally go to God and say, "Ki God, I really want to come in this path. Make me do anything you want." Like पाठ पूजा करके जैसे मुझे शांति मिलती, मेक मी डू दैट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू दैट. अगर वो 2 दिन होगा फिर यू नो वो बैलेंस मेरा नहीं आ पा रहा है लाइफ में. ये मेरी बिगेस्ट स्ट्रगल है बिकॉज मुझे लगता है ये इतने ब्यूटीफुल थिंग्स जो आप मुझे ये प्रेयर हमें सजेस्ट कर रही हैं मदर की, ये मैंने शुरू भी किया है, बट समहाउ यू नो लिखते लिखते अचानक वो फीलिंग आती है कि ओके व्हाट इज दिस, क्या बात कर. वो ना मुझे वो फेथ का वो 100% फीलिंग नहीं आ पाती है. समझ गई डूइंग, समझ गए. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल या सो गुरप्रीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज नॉट ओनली विद यू, दिस इज विद ऑल ऑफ अस. यू नो ईच एंड एवरी पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेट बैक टू दैट सॉलिड फेथ दैट वी टॉक अबाउट इन प्रेयर्स, या ईच वन ऑफ अस स्ट्रगल विद दैट दैट यू नो वी स्लिप बैक टू अगेन एक्सपेक्टिंग एंड इनसिंसियरिटीज डिसऑनेस्टीज एंड वी लैक मतलब यू नो वी सी दैट लैक ऑफ फेथ राइजिंग अप अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल विद यू. ईच ह्यूमन बींग हु इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ यू नो अंडर गोज दिस चैलेंज एंड स्पेशली बिकॉज यू नो यू आर नाउ सीकिंग सो इंटेंसली, सो यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर अवेयर दैट येस दिस चैलेंज इज प्रेजेंट इन माई लाइफ. है ना, अब जिसको फेथ चाहिए ही नहीं, जिसको अनईज फाइन है ना, उसको ये पता नहीं लगेगा कि आई नीड टू यू नो गेट बैक एंड आई वॉट हैपन्स इज आई स्लिप कीप ऑन स्लिपिंग अगेन एंड अगेन. उसको नहीं पता लगेगा ये पता उसी को लग सकता है जिसने एक फेथ वाली स्टेट ऑब्जर्व की हुई है अपनी लाइफ में और अब अपने आप को उससे डिगा हुआ पा रहा है अपने आप को. है ना, that's why the seeking back to that solid faith then commences. So first of all this is a very beautiful thing that one is able to recognize that yes this is happening, this pulling down is happening again and again, and that is where all the adventure, spiritual adventure lies actually, coming back to that solid faith in life. Yahi hamara adventure hai, you know? So we are actually on this adventure that what pulls me down. मतलब जब जैसे होता है कि जब आप पाठ पूजा में रत हैं जैसे 15 मिनट के लिए कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, यू नो लगता है सब संभला हुआ है, चरणों में हूँ, बिल्कुल शांति है. द मोमेंट सम ओकेजन कम्स अप, समथिंग यू नो सम ईगो गेट्स स्टक दैट, इमीडिएटली यू नो दैट फेथ इज गॉन. या हाँ, तो हमने करना क्या है, वी हैव टू एक्चुअली बिकम मोर कॉन्शियस स्पेशली ऑफ दोज मोमेंट्स विच पुल अस डाउन. Because those are our biggest challenge. कि अच्छा गुरप्रीत, इस moment में क्या तू mother को अभी भी remembrance में रह सकती है? Okay. You know कि कोई बुला रहा है कि अभी अभी attack कर दें उसके ऊपर, अभी दो चार you know बातें सुना दें या बैठ जाएं argument में, but मैं नहीं हिलने वाली चरणों से. Okay. Many times what happens is keeping calm and mostly, in fact, I would say silent also resolves all the issues. मोनिका, बट सरप्राइजिंगली ये चैलेंजेस मेरे पास पहले बहुत आए थे लाइफ में. अभी आई एम क्वाइट ऑन माई ओन सिंस लास्ट 2 ईयर्स.
एंड तो मुझे अब वो वाली चीज नहीं आती, और अब तो लॉकडाउन में तो आई एम नॉट मीटिंग पीपल एट ऑल, ब्यूटीफुल. तो मेरे साथ बस ये हो रहा है कि जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ें शुरू की बहुत ही उससे सिंसेरिटी से. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है डायरी में, यू नो, वो कन्फेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड टॉकिंग, लिटरली स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू डिवाइन. आई एम डूइंग ऑल दैट. तो किसी किसी वक्त तो लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल कनेक्टेड हूँ, डिवाइन इज देयर, मेरी बात हो रही है, एंड हाँ वो एसेंस फील होता है. और जी, कभी कभी ना बस लगता है कि बस ऐसे ही एम्प्टी बोली जा रही हूँ, कुछ मतलब ओके ओके एसेंस नहीं ओके. फील हो रहा. यू अच्छा गॉट दैट? अच्छा या गॉट इट. या सो दिस हैज एक्चुअली बीन एड्रेस्ड बाय द मदर इन वन ऑफ द प्रेयर्स. आई विल ट्राई टू फाइंड दिस आउट. एंड देयर मदर सेज दैट मेनी अ टाइम्स यू नो वन वन फील्स द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन एज इफ यस देर इज अ सॉलिड प्रेजेंस, एंड वन फील्स दैट कंटेंटमेंट विद इन, यू नो दैट कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, रस बहुत है. बट मेनी अ टाइम्स इट फील्स लाइक शैलो टॉकिंग, यू नो, मे बी यू आर डायलॉगिंग विद समवन हु इज नॉट इवन देयर, राइट? या सो देयर व्हाट वी हैव टू डू, वन सजेशन बाय द मदर हरसेल्फ इज, इवन व्हेन आई डोंट फील द प्रेजेंस आई नो दैट मदर इज विद अस, दैट काइंड ऑफ अ फेथ. दैट फेथ, राइट? या क्योंकि काफी बार लगता है कि ये सब फेक हो रहा है कुछ, यू नो, इससे मुझे मिल नहीं रहा, यू नो, कि कुछ किसी किसी मोमेंट में ऐसा हो जाता है ना. एंड देयर दिस इज अगेन अ डीपर टेस्ट फॉर अवर फेथ, बिकॉज इवन व्हेन आई एम नॉट फीलिंग और सेंसिंग इट, इवन देन टू हैव दैट सॉलिडिटी ऑफ द फेथ दैट यस मदर इज देयर, मदर इज देयर, नो मैटर आई मे फील इट और नॉट फील इट. ओके, थैंक यू सो मच. और एक और चीज है इसमें, यू नो, वेन एवर यू नो मदर हैज रियली पुट इट फॉरवर्ड सो क्लियरली फॉर ऑल ऑफ अस, मदर से वेन एवर यू फील अ लिटिल अनहैप्पी, जैसे कभी कभी तो हमारी स्टेट होती है, यू नो, अ काइंड ऑफ अ इनर जॉय इज देयर आउट ऑफ नो रीजन, राइट? समटाइम्स वी फील अ लिटिल डाउन एंड यू नो समथिंग इज एज इफ वेइंग डाउन अपॉन अस, मदर सेज इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट इफ आई एम अनहैप्पी इट मीन्स आई एम इनसिंसियर इन माई फेथ, इट मीन्स आई एम होल्डिंग ऑन टू समथिंग, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन फिर से पकड़ लिए. तो ये अब ऑनेस्टी चाहिए कि एक फोरसेप लिया जाए, यू नो, अपनी अवेयरनेस का, अपनी माइंडफुलनेस का, कुछ को अंदर की तरफ घुमाया जाए, और यू नो देन इट हैज टू बी काइंड ऑफ पिक्ड आउट एंड थ्रोन इट अवे, यू नो, कि अच्छा ये पकड़ा हुआ था, यू नो. बट मोनिका, एक्सपेक्टेशन तभी बिल्कुल खत्म होगी ना व्हेन यू हैव दैट सॉलिड फेथ इनसाइड यू. अगेन दिस इज वेरी आई फाइंड इट स्लाइटली कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब बहुत मुश्किल बात है ये जो आप कह रहे हो, एक्चुअली राइट? मुश्किल तो देखो गुरप्रीत जी, मुश्किल क्या नहीं आई नो, है ना, ऑफ मुश्किल कोर्स, जीवन तो आसान तो नहीं है किसी का भी, है ना. तो यस इवन सो कॉल्ड नॉर्मल रिलेशनशिप मुश्किल तो वो भी है ना. यस या तो या अब या हमने चूज करना है मुझे वो मुश्किल चाहिए कि ये वाली मुश्किल चाहिए. दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू. यस आई एग्री. तो अदर्स हैव जॉइंड, लेट्स लेट्स बिगिन देन. या श्योर श्योर. So welcome everyone. I hope you can all see the screen. I'll just this prayer on the screen. And before that, let's take one moment of a silent pause, remembering the mother, all of you, including me. Yeah, but just one moment. Okay, so yeah, please you can begin to share whatever is going on.
like through the prayers, through the practical implications of the prayers, or in general otherwise, anything that we want to share. Take your time. Yes, Taru. Very fast you are. Okay, so you said in general, do you know that prayer that's like really kind of the base of a lot of things, that may thy will be done, not mine. So I have been seeing that whenever I say it, you know, may thy will be done, I can say it very easily and with a lot of, you know, kind of servitude or whatever. I mean, I won't know how to put a word on it, but that flows very naturally. And every time I say not mine, you know, something, it's like kind of funny, but something is like, ye bolne ki bhi zarurat kya hai, you know, ke why do you have to, can we just not end that may thy will be done kind of, or agar tumhari honi hogi to ho jayegi. So I'm just looking at that and I find it funny, or you know, interesting to watch ke how even here, even saying something wants to resist ke isko rehne do type, na? That mind thing is quite interesting to see ke usme kitna attachment hai usse. True, yeah, so beautiful, And and about like this week's prayer, there's one thing that I would want to, if you can go over a little bit more, that everything that happens is not necessarily the divine will. Like, and or Mother has also talked about a lot of different forces and stuff, na? Like in general. So, I mean, I would like to know more about it. But, okay. And I really love how Mother had put it, like, you know, my satisfied heart, like in this particular prayer, that how, I mean, I've never seen these two words together, actually, you know, like satisfied heart. So that was quite, it spoke to me. And yeah, dialogue is kind of the continuation from last time. So it's beautiful to know its existence. I think that's the main thing. I mean, I have written more things, but basically this is it. No, if you have more, then you can just share. No, as in, like, just the more things that I did like, or that, you know, I was like, it's beautiful, right? So, okay, thank you. Thank you. And also anything that, you know, as Gurpreet ji and me, you know, we were talking, so she was sharing, you know, how practically we face this challenge, just like Taru also shared, that whenever I say not mine, you know, as if something is pulling me down, ki bhaiya ye kyun keh rahi hai, ye rehne de, you know, so anything practical that we have faced or we are facing at the moment, because those, if addressed and if shared, they bring a lot of even, you know, deeper clarity, because words are words, but then practical is has its own importance. Like difficulties on the path of surrender, you know, by what pulls at us, what tugs us down, what springs up again and again, which does not allow completely to, you know, to kind of bow down. So, hi Monica, this is Shilpi. Hi Shilpi. Hi. So this prayer was very beautiful. Actually, I really enjoyed reading it, and at one point Taru talked a little bit about it also. That at one point Lokta said that, and Mother has said that
not everything is necessarily the divine will, right? Mm. And also towards the later part of the prayer, we say that all energies should go towards the triumph of the divine law. Mm-hmm. So, so this kind of shows us that there is a choice for us to act. You know, that how do we act? Not everything is divine will, but we should work towards the divine will, right? Mm. So, so it gives us the choice, but not, I feel like while I do get the choice from reading this, I do not necessarily get the wisdom to determine that what is towards the divine will and what is not, right? And when I read this, the thing that popped up for me is like, I feel that there has been like a lifelong pattern in me that I've been looking to understand is that I feel that sometimes when I feel, okay, this thing is really good and this is for like my good, overall good, you know, it just feels very right. And then I think, okay, I'll do this. And then I see over a period of time that I don't do it, right? So it seems to be a consistent issue. Now, not so much, but still. So either that thing was really not meant to be the right path for me because it didn't happen, right? Or despite what my judgment told me, or I failed at doing my duty towards the divine. So my question basically is that, like in everyday situations, when I do not do what I think I should do, how can prayer help me? Okay. Thank you. Yeah. So, actually, it's not that complicated, Shilpi, if you look at it, if we all look at it. If I'm not able to do a thing which I think I must do, we just have to catch our insincerity. For example, I'm after the life of a friend or maybe a person who lives in my house. I'm after his life, after her life, whatever. Huh? And every day I rise up with this feeling, I must stop doing this. I must give the person the space. Every day I rise up with this feeling. But I again fall kind of back into my tendency in kind of pestering that person, bothering that person. Now, if I want to sit for 5 minutes in silence and see, why is this happening? Why am I not able to stop myself from pestering that person when I want to? Then I will realize actually I want to pester that person. Now, I have to find out the dishonesty here. Why do I want to pester that person? Why do I want to bother that person? What am I getting out of it? And then I will realize, layer by layers, it will be revealed to me that some dishonesty is hiding there, which is making me do that stuff again and again. I'm speaking this out of just my own personal experience that I was able to exactly by the grace of the mother pinpoint my dishonesty of why I was after this, kind of overwhelmed by a tendency and not able to give it up. And many a times what happens when we are not able to do the right thing actually and follow a trail of wrong actions again and again, many a times it happens owing to, again, because the divine wants all of us to be back to the soul, back on the track again. So it creates, the situations are created. कि हमारे पास बचने का actually में कोई चारा ही नहीं है, हम चाहे कितना भी गलत कर दें. अब जैसे रावण है, उसका जीवन इतना गलत था, ultimately तो राम ही मिले ना. So होता क्या है हमारे साथ? If I am not able to stop myself in the beginning, if I am not honest enough to find my insincerity behind my action, behind my word, then very soon a situation happens where the peak, the intensity of darkness overwhelms you. And then it becomes much easier. Because ab to jaise pahad aake khada ho gaya samne, ab to karna hi padega. Then it becomes much easier to see what dishonesty was hiding there. And that is why when pain comes, when suffering comes, when challenges come, they actually come as a beautiful signal, because now all the bad karmas, if I can say, the, not the bad karmas actually, all the
wrong actions which I was not able to stop, now immediately I can put them on stop because it shines upon me that this is definitely not the way to go, the kind of ruckus it has created. So two things can be done. One thing is that out of my own clarity, which can be found only in the depths of the being, no one can give it to us, I choose, I begin to consciously choose each moment where I want to be, what action I want to do. And then I follow the trail of action. Other thing is, I don't do that because I don't recognize what I should do. No matter what, doesn't matter. You can go ahead in that direction also. Milenge to Ram hi. Samay ka farak reh sakta ya to jaldi ya thoda baad mein. तो होगा क्या कि वो रकस इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना पहाड़ हो जाएगा दुविधा का कि फिर वो जाके रिजॉल्व, देखो रिजॉल्व तो होना ही है अगर सीकिंग है लाइफ में. इफ द इंटेंसिटी ऑफ सीकिंग इज देयर इन लाइफ, द रेजोल्यूशन हैज टू बी फाउंड सूनर और लेटर. दिस इज अ गारंटी. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर, दैट इफ आई एम नॉट एबल टू कैच माई डिसऑनेस्टी, जस्ट सिट विद योरसेल्फ मोर. Maybe make an image, you know, take a paper and a pencil. Why do I, you know, do this again and again? You will find something is hiding within the layers. I found it for myself. You can all find, we can all find. We are all one. We are human beings. The structure is the same. Subconscious, unconscious, you know, the structure is the same. The dreams, all that. The childhood, the conditioning. Yeah, thank you, Monica. I think I will try that. Yeah. Yeah, I think I will definitely try that. Thank you. Yeah. Yeah, Monica, if I may add something, like Chilpi was sharing and Chilpi and I have also discussed certain situations. So, ek to hota hai particular situation like you shared, right? Like this happened and how you were able to reach to the bottom of the origin, basically, na? The source of it and find clarity there. But sometimes na, I don't know how to say it, but ek jadta ka ek jaise hota na cloud aa jata hai, as in you are not able to kind of do anything. I don't know how to say that, like as in, like as if the consciousness in general, like your ability to even judge ki this is shubh or not, or you know it's shubh and yet matlab, as in there's some tamas or there's something that overtakes you. I mean it goes, it rises, it goes down and stuff, but sometimes it just dawns on you and you are like, you know you don't want to be here, you know you want to do stuff, and still there's just some underlying thing that keeps pulling you down and it changes and it comes again. Sai, so what is that basically? That's so just that is just another layer of dishonesty, nothing else. Okay. Yeah, because you know, so if I want to say that I don't know what is causing this, you know, I'm able to find out what is causing this, it just tells me that you are not giving yourself time to find out. That is the dishonesty. You are having some or the other rasa in that situation which you think that you want to get rid of. Yeah, so it's all dishonesty, just layers and layers of dishonesties, you know. And that is why honesty and sincerity, you know, in mother's own words, she gives a lot of importance to honesty and sincerity. So if I today say that I don't know why am I in this situation back again and again, it's not any jadta, it's just dishonesty. If you want to call dishonesty a jadta, yes, then it can be. Yeah. You know, because if we look at our lives, we can see that whenever we have really wanted something, we have got it. Whenever we have really, truly, deeply wanted something, with sincerity, you know, with honesty, we have got it. But, yeah, and it's much easier when it's like, you know, a big thing, like it's like kind of a crossing over and stuff. But what I had, you know, basically what we had discussed was that, you know, you might kind of wake up in a dull thing and in which like it just feels that there's some descent of something that's not lit. You know, the small things of life. But फिर से बोलो,
wake up का मतलब you kind of get up in the morning. हाँ, जैसे you get up in the morning and it's just the dullness that you feel in you. Beautiful, beautiful. Okay, yeah, I know where you are hinting at. Yes. So yes, I would have to have some words to say here. So I remember my states when I would be really not looking forward to a day. You know, like full of that dullness that you are hinting at. And for me, how it was that I was clinging, demanding something in life and not content with life. I was demanding the life to be this and that and that and that, but not content. ठीक है, और नॉट कंटेंट होना बनता भी है. वो इसलिए बनता है क्योंकि जब तक मुझे यूनिफिकेशन नहीं मिलेगा अपनी सोल के साथ, अपने डीपर बीइंग के साथ, वो लैक ऑफ कंटेंट रहेगा. दैट इज हियर टू स्टे. एंड दैट इज वाई द डलनेस, ईगो, यू नो, द स्टेट ऑफ ईगो इज फुल ऑफ स्टेगनेंसी. नो वंडर, यू नो, देन डलनेस कम्स एज अ शुभ सिग्नल. अच्छा है कि डलनेस फील हो रही है, कुछ तो करोगे उसके लिए. एंड द मोमेंट आई बिगिन टू लिव डीपली फ्रॉम माय डीपर लेयर्स इन डे टू डे लाइफ, नॉट वांटिंग एनीथिंग इन लाइफ, बिकॉज आई हैव फाउंड द लॉर्ड, द फीट ऑफ द लॉर्ड विद इन, दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म, दैट रिवर्स्ड दैट डलनेस. सो व्हेनेवर आई वेक अप Now getting dull, I immediately remind myself, मुझे और कुछ चाहिए इन चरणों को छोड़ के. And mother says, immediately call yourself back. Tell yourself your surrender is not complete. So whatever dullness or unhappiness or sad, you know, a basic background noise, if I can say, of sorrow, if one sees in life, stagnancy, if one sees in life, that just means that we have circled from away from the feet of the divine within, if we had have ever got it, and fallen into the trap of ego again, which is full of demands, wanting, seeking demands from outside, you know, situations, that whatever is in my life is not complete, is not enough. Am I making myself clear? Yeah, somebody was saying something. Yeah, Monica, I just wanted to add, you just care, you know, what Taru just mentioned, waking up to that dullness, and then you say, with your example, that you immediately remember those feet within you, that I want to stick to, matlab Bhagwan ke charno ke saath rehna hai, and wo wali cheezein. But I think, मैं अपने पर्सनल, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई हैव गॉट अ लिटिल बिट टू शेयर कि आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डीप पिट, यू नो, इन द सेंस दैट जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे लाइफ में विद द पीपल अराउंड मी, आई वाज नॉट एबल टू डील विद देम, व्हाटएवर. तो वो इनिशियली क्या था कि आई बिकेम वेरी क्लोज्ड एंड आई जस्ट कुड नॉट कोप अप विद द थिंग्स, यू नो, एंड बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि एज आई spoke to you earlier before others joined, कि वो मेरा faith का बिल्कुल dip हो गया था and everything. On one side, I began with a lot of faith in God and अचानक से I felt कि everything is like, you know, blank, dark. But I think my journey started with, you know, introspection. In the sense कि खुद को observe करना, awareness, because I believe ये जो बातें कही जाती हैं जो हम दोहे में भी देखते हैं और कितनी जगह देखते हैं कि हमारा, you know, our vessel needs to be clean in order to invite all those things. ये I think rest follows. ये dullness वगैरह सब अपने आप clarity आ जाती है. Once you know we have the awareness of our own self, इंट्रोस्पेक्टिंग, और जैसे मदर की हमारी सेकेंड या थर्ड वीक के प्रेयर में था कि अपनी गलतियां ढूंढना, बिकॉज एवरीथिंग आउटसाइड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन सेल्फ एक्चुअली. तो यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्ट होना होता है. ये जर्नी ऐसी है, इफ यू रियली वॉन्ट गुड रिजल्ट, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड यू हैव टू क्वेश्चन योर इंटेंशन एवरी मिनट कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, किसी से ऐसा बात क्यों कर, बिकॉज पीपल जनरली टेंड टू, यू नो, उसको ओवरलुक कर देते हैं. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एंड देन आई थिंक उसके बाद फिर वो फेथ आता है, कनेक्शन आता है, एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स फॉलोज, एज यू वर सेइंग. या सो वही ऑनेस्टी, एज गुरप्रीत जी शेयर्ड, यू नो, बीइंग ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स
and being very, if I can say, you know, microscopic eyes towards ourselves. Each and every movement within me is not going undekha from my eyes. Yeah. So, usually kya hota hai, hamara jo microscope hai, wo dusron ki taraf zyada rehta hai. दूसरों की एक एक डिटेल के बारे में हमें खबर रहती है, कौन बंदा किस तरह से खाता है, कितनी आवाज करता है खाते हुए, ऑल दैट, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, द माइक्रोस्कोप इज देयर बट इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड मटेरियल. सो दैट माइक्रोस्कोप हैज टू बी टर्न विद इन, सो दैट आई एम, एंड एवरीथिंग एक्सटर्नल हैज टू बी टेकन जस्ट एज अ ट्रिगर. इट हैज नो वैल्यू पर से, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम माई स्पाउस or coming from kids or coming from the past, whatever. It is nothing but a trigger and it shows me where I have to be focused. The focus is within my being. Kya hila? Iske kehne se kya hila? Ye sochne se kya kya hila? Kya phir bhi sochungi? Ab yahan again, you know, free will comes. Mujhe pata hai ki jab main in cheezon ke bare mein sochti hun, bahut hilti hun. और वो कोई ऐसा नहीं है बड़े काम का हिलना है. क्या फिर भी चूज करूंगी उसको वापस बार बार सोचना? क्या इतना भी मेरे में कंट्रोल नहीं है कि मैं जानते हुए भी उसको मना ना कर पाऊं, रिजेक्ट ना कर पाऊं? नो, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. आई वॉन्ट टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ प्योरिटी. एंड यू नो, वी हैव टू एक्चुअली कॉन्स्टेंटली रिमाइंड अवर सेल्फ दैट ईगो, the nature of the ego, the nature of the lower ordinary human consciousness is lower only. The nature is lower. It is not a higher or, you know, human consciousness. By nature, it will remain like that. Slowly, as we go deeper within our being, and we all have to do that, I keep on reminding myself and others also. Mother has clearly stated, go unite with your psychic being first. Go unite with your psychic being. और बड़ा आसान काम है एक्चुअली. आसान काम इसलिए है क्योंकि जो 11 पॉइंट्स मदर ने साइकिक बींग की शुरुआत के लिए, जर्नी के लिए बताए हैं कि ये तुमने करना है, वो 11 पॉइंट्स और कुछ नहीं है, वही प्योरिटी है जो हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पॉइंट इज, माइंड इज इनकेपेबल ऑफ जजिंग स्पिरिचुअल थिंग्स. डू नॉट हैव ओपिनियंस एंड जजमेंट्स अबाउट अदर्स. नाउ लुक, लुक व्हाट प्योरिटी इट कैन इट गिव अस each moment. Second point, you know, do not take physical happenings on their face value. So simple and easy. But the only thing is that we stray away again and again. Mind wants complicated stuff. When mother has said once, hey, go find your soul first, uske baad aake mujhse baat karna, फिर भी मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हूँ और भूल जाती हूँ कि ये काम है जो मेरे सामने मुझे करना है. सो ऑल दिस सरेंडर एक्चुअली दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इन प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, द जर्नी टुवर्ड्स फुल सरेंडर, डिटेल सरेंडर, दिस एक्चुअली कैन नॉट हैपन विदाउट यूनिफिकेशन विद द साइकिक बींग. द मोमेंट साइकिक बींग कम्स इन टू पिक्चर बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्ट divine touch, it is ready, it's kind of, you know, ready with enthusiasm. Hey, kahan karna hai surrender, batao, isi ke liye to paida hua hu, you know, that kind of an attitude, the zeal to surrender. Abhi hamare mein zeal itni nahi hai, tabhi duvidha mein pad jate hain bar bar. To actually mein kya hai, bina zeal ke aage badhna ego ka kaam nahi hai. Surrender karna ego nahi kar sakti. ईगो सिर्फ हमने यहां तक पहुंचा दिया है कि हमें पता लग रहा है कि फ्यूटिलिटी ऑफ एफर्ट्स पता लग रहा है. ये था ईगो का काम. अब काम शुरू होता है साइकिक बीइंग का. सरेंडर ईगो के बस की बात ही नहीं है. सो दैट इन ऑल ऑफ अस हु आर हियर टुडे और हु आर लिसनिंग, दैट इन अस विच इज रेडिंग टू सरेंडर इज द साइकिक बीइंग. That in us which does not stray away from surrender, that in us which is ready to give away all the past baggage in order to surrender, that in us which is ready
That is the psychic being. So if I don't see readiness in me, if I see that being masked again and again, just follow the steps given by the mother. Very, very, you know, it's like a shortcut, kunji. If there can be a shortcut. Yeah. Yes, that is to be done by all of us. We have to unite with it. अदरवाइज ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही करते रह जाएंगे. कब तक करेंगे ऊपर नीचे, है ना? सो जो जो तैयार हैं वो तो शुरू कर ही दें. मुझे लगता है हम सब तैयार ही हैं, तभी हम बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो क्यों बैठेंगे. मे बी राइट दोज 11 पॉइंट्स इन द डायरी. यू नो आई शेयर्ड इट अगेन एंड अगेन इन मेनी टॉक्स. I think I shared it in one document also. So write them down, maybe write them daily, ki rat jayen, taki ek bhi pal mere day ka aisa nahi ho, jo maa ke bina bite. Patta kisi ko nahi lagega. It's not a very, you know, showing off a process. Lekin hume pata hoga ki haan, badhiya hai sab. Maa hai mere saath. So each and every movement throughout the day has to become divine. That is what Mother and Sri Aurobindo mean when they say all life is yoga, yoga with the divine, unification with the divine. The life divine, the name of Sri Aurobindo's collection, you know, the volumes. The life divine. What is life divine? Life divine is a life in which no moment is lived against divine. तो अगर मैं वो एक्शन करूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, अगर मैं वो एक्शन नहीं करूं तो भी मुझे फर्क नहीं है. डिवाइन तू बता, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करवाएगा तो अच्छे से करूंगा, ऐसे करूंगा कि तुझे देना है तो सुंदर करूंगा, और अगर नहीं करवाएगा तो ठीक है, तेरी मर्जी. यू नो वही वाली बात हो गई जो हम आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इन द यस्टरडे सेशन, दैट यू नो यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे आई फॉरगॉटन. बांसुरी है, यू नो बांसुरी क्या करती है? बांसुरी अपने आप को तैयार रखती है, साफ रखती है. एज गुरप्रीत जी वाज शेयरिंग, यू नो वी हैव टू बिकम प्योरर एंड प्योरर सो दैट वी आर रेडी, यू नो पात्रता हासिल करनी है उसकी. अब कृष्ण बजाएं कि नहीं बजाएं उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही होना चाहिए. या यस थैंक यू तरु. या नो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और बांसुरी कोई अटैचमेंट नहीं हो गई कि मुझे तो म्यूजिक, मुझे मैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे तो बनना बजना ही बजना है. कोई अटैचमेंट नहीं है उसको अपने काम से. उसको लग रहा है धोती में पड़ी हूँ तो भी ठीक है, बज रही हूँ तो भी ठीक है, तुम मेरे को जिस लायक समझो. इन फैक्ट दिस हैज बीन शेयर्ड बाय मदर ऑल्सो इन वन ऑफ द प्रेयर्स. मदर सेज इफ यू वॉन्ट मी टू बी इन काम विद योर इनर प्रेजेंस, द इनर इमर्जन इन यू, आई एम फाइन देयर. इफ यू वॉन्ट मी टू बी एक्टिव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आई एम फाइन देयर टू. What is the difference? There is you and this is you. But ये हमारे लिए तब हो पाता है जब हम एक एक moment में, as we were discussing earlier, consciously we are offering each moment to the divine, saying, I don't want anything out of this moment. You make me do whatever is fit for you. You make me do whatever you deem fit. Whatever action you want to take through this activity of mine, do it or not do it. This is your will. I have given myself to you. जब हम किसी दूसरे को कुछ भी देते हैं, we make sure that it's in a presentable state. और divine ने तो ये बोला है कि तू give yourself to me in all your ugliness. I can do the purification. So we actually have to give again and again, you know, we keep on taking back, give again and again. So whenever I'm feeling dull, I have taken myself back, very simple. And that weighs me down, that dulls me. It's a very beautiful indicator, dullness. You know, that which is dull, which is heavy, you know, dull. Dullness means a kind of a, as you were saying, Taru, you know, an inertia
So if I put a hell of a weight on myself, I am dull. While if I give myself away to the divine, I am light and active. So the moment I recognize any dullness or heaviness in me, definitely I have taken myself back from the divine. One has to just keep on reminding. Yeah, anything else? Preeti, would you like to share something? Okay, hi everyone. अभी मैं सब सुन रही थी, all applies to me as well. All that sincerity is still there to come, you know, like. दो बातें ऐसे ध्यान में आई. मैं सोच रही थी, I was missing some pictures. I'm so used to seeing Mother and Sri Aurobindo's pictures in rooms. Because having worked in the ashram, now I understand, you know, कि even it used to be a very simple picture, yet it was so well placed in every room in the ashram. कि आप जब भी घुसते थे तो पहले आप मदर को ही देखते थे, ऑटोमेटिकली फ्यू सेकंड्स के लिए बात कर लेते थे. सो आई वाज मिसिंग दैट हियर. एनीवे दैट जस्ट केम टू माय माइंड. सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई, यू नो, दिस इज अ स्मॉल रिचुअल कि आप उठना है, मंदिर जाना है, या उठना है, प्रभु की फोटो देखनी है, उठना है, नहा धो के दर्शन करना है. सो आई थिंक दिस वाज जस्ट अ रिचुअल क्रिएटेड फॉर यू टू स्पेंड सम टाइम एटलीस्ट, सो दैट स्लोली स्लोली इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, एंड यू नो during the day also you remember the divine. And how my father had one picture of Sai Baba in every room. A picture or a statue, and I used to say, why do you want him in every room? Maybe that was his way to connect to the divine. Beautiful. In fact, on this, you know, Alok ji once shared in one of his talks that on one day, I think he had to visit Sri Aurobindo's room and he was not able to do that. And in that, he remembers that day very profoundly, because when he was not able to have the, you know, the photo darshan or whatever, you know, touching the belongings of Sri Aurobindo, or I don't think, just kind of giving it a darshan, then what he did was, he spent his day in silence trying to touch that presence within himself. You know, because I was not able to meet my friend outside, you know, in the photo, meet my guru outside. What I did was, in my silence of the being, in the depths of my being, I touched that presence because the seeking was so intense. And Dr. Alok fondly remembers that day, you know, in one of his talks, that connection I had never got earlier, you know, when I have been to the room of Sri Aurobindo and Mother. So this actually can become a kind of a tunnel for deeper seeking, you know, and maybe because nothing is away from us, you know, nothing is away. The photo may be away from us, but the presence is forever there within us. So I think this, if one can actually do this, you know, I remember with a friend, you know, this once happened that because of not being able to meet a friend whom you really love, you are able to touch the friend deeply within your being. I think that joy is something even by physical presence, one does not feel that depth many a times. So agar hum ye kar pate hain, so I think then this pain actually, which I felt when you were sharing, you know, this pain actually can become that intensity to go within and find that presence there. And yesterday I was talking to a friend and I was telling her, you know, I think pain gives us grace. You know, when we say that this person is very graceful, he must have been through a lot of pain. Because pain is the medium to touch ourselves deeply. It may look very difficult on the surface, but it's actually a really beautiful thing, this pain. Yeah. And then I was kind of contemplating over it, and you know, I realized that pain gives us that, if I can say, stillness or calm or
what in Hindi we say thehrav. No, only pain has the capacity. Pleasure cannot give us thehrav. And thehrav is needed if we want to become a channel of the divine. As we discussed in one of the talks, you know, that if the bartan in which the waterfall is being poured, if it is swaying, you know, it is so unstable, it's swaying again and again. How will the waterfall, you know, pour upon that container? And pain gives us that stability, that stillness, you know, that rootedness, if I can say, anchor deep within our being as if we get pegged owing to that pain. So I think it's really beautiful to, in some phases of our life, when we can carry this pain gracefully, being in touch with our deeper being. There is some beauty about it which is hard to express in words, and also which is by surpassing all these, you know, momentary pleasures and satisfactions. So yeah, yeah. Okay, so what do you suggest? I wanted to share a few things with you, a kind of a, I annotated here, thoda bahut, which you also can read by yourself. Or maybe we can cover jo abhi Taru and Shilpi wanted to cover, this distortion of the divine law. Huh? Yeah, so let's touch upon this distortion. Okay. See, whenever we are doing something, mostly the intention is right. Okay, mostly, yeah, all the time, always. The intention is right. For example, even if I am hitting someone, okay, what is my intention? That, for example, if a child is crossing the road, and if I want the child to be safe, and he's not looking at the road, he's just crossing like that very frivolously, to main usko ek utha ke laga deti hu. Now, on the surface, it may look like a very violent and anti-divine action, but it is a distorted action. It is actually anti-divine, it is a distorted action. But what was the intention? The intention was to keep the child safe. So wellness of the being was the intention. Now that intention is not wrong, but because of the veil present in between the intention and my action, what is the veil? The veil is of my behavior, my tendencies, my patterns, my ego. I don't know any other way than hitting the child to set him right. This is the veil. So here, you know, the divine will is, yes, that everyone must be well. But that wellness, ab ek aur distortion hai, ek aur layer of distortion dikh raha hai. Hame lagta hai wellness tabhi hai jab body well hai. When the child is safe in his body, then only he is well. This is what we think. So thinking again distorts. While our utmost wellness is in unification with our psychic, if one can say, unification with the divine presence, that is our utmost wellness. But वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, हमें ये तो पता है, well रहना है, well रहना है. But through distortions, the layers of distortions, I end up acting in a way which is manifested in such a hit, for example, or a violent behavior. So this is the distortion. And here Mother is saying, or Alokda is sharing, so if you start taking it as everything that happens is God's will, so this was not God's will that the child should be hit at. What I have to do? Then I'll be just, oh, I am overtaken by hostile forces. What is the hostile force? Anger. Because of the layer of distortion, I am now overtaken by anger. So yes, there was divine will, but there was very big distortion. So if I
what I have to do in such a state. Here I have written, you know, a note, reject. If a person who is a seeker, who is on the path, because only he can see. Otherwise, a person living completely in his ego would not be able to see that I needed to reject that voice within which said, hit. So rejection can only be done if in my being, I'm somewhere connected to some light, which tells me that there was a distortion and I needed to reject that. I was overtaken by an hostile force. So this is what I want to touch upon this, you know. So here rejection is very important, because whenever we are doing something which is landing up in trouble, others or myself, I need to reject. I need to reject the thought in me that thinks that hitting is the only way. Because by that non-rejection, I am making the divine will anti-divine. Now, what can be other ways in which I can look up to for the wellness of the child? There can be many, many other ways. And there I begin kind of, you know, going back to the divine will, not turning anti-divine. Ye wahi baat aa gayi. I think we are touching that. You remember the story of the creation, jisme, just shortly touching upon that, Brahman, you know, the only one that existed, the Purusha, he created Prakriti out of himself, Prakriti Aditi, Aditi or Chit Shakti, consciousness force, and then he asked her to make the world. And she manifested four powers out of herself. Consciousness, bliss, truth, and life. So what does these powers do? They go ahead, you know, imagine that I am giving you money. I am your parent. I have given this money in your hand. And I am saying, you know, see, this is what you have to do with this money. Now what happens? The moment you go away from me 2 kilometers, so all these four forces are now going away 2 kilometers from the divine. And there comes this thought, hey, I have this money and I'm on my own. There is no one whose orders I have to follow. There the distortion comes. Consciousness becomes unconsciousness. Truth becomes falsehood. Bliss becomes suffering and life becomes death. Because I have taken myself away from the very source of my money. So ab main jahan bhi us paise ko lagaungi wo galat jagah hogi. Yes, this thought that I am separate from the divine is the very big veil in front of us, the ignorance. Yes, this is what is causing all the trouble, you know, that I am separate from the divine. And in that, I can do anything now, hai na? Kyunki jab divine nahi hu, pure nahi hu, I am allowed to be impure. But divine ne wahan bhi net feka hua hai na? Mazedar baat to ye hai, kyunki puri srishti hi uski aisa kuch hai nahi jo uska nahi hai. Impurity ki bhi jab intiha ho jati hai, to wo purity pe hi aake tapakti hai. And that is why we have no escape. We all are divine and have to be divine. We don't have any escape. तो जाएंगे कहां बच के? अगर सेपरेट सेपरेट बोलते भी रहेंगे तो जाएंगे कहां? कुछ है ही नहीं उसके अलावा. सो द मोर आई अफर्म दिस फेट, दिस थॉट इन माई सेल्फ दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम द डिवाइन, कि डिवाइन होंगे कोई और होंगे, भाई हम तो भाई टुच्चे ह्यूमन बीइंग हैं, हमें तो इम्प्योर होने की पूरी अलाउंस है. द मोर आई एम अलाउइंग माई सेल्फ नॉट टू बी डिवाइन. और उसमें भी कैच है, एज आई सेड, यू नो, इवन इफ वी आर इम्प्योर, द हाइट्स ऑफ इम्प्योरिटी तक जाइए, वहां भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे. यस मोनिका, इसमें जो अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि जैसे बच्चे को पैसे दिए और वो शायद 2 किलोमीटर दूर जाके ही रियलाइज कि नाउ आई एम ऑन माय ओन, देयर इज नोबडी वाचिंग ओवर मी. तो ये डिस्टेंस का जो सिग्निफिकेंस है कि हाउ व्हेन समबडी इज नॉट वाचिंग. और तभी बोलते हैं कि जैसे पीपी जी भी शेयर करी थी कि पिक्चर हर रूम में लगा हो, राइट, दैट प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, दैट
I have personally seen ki, you know, sometimes when I'm about to have an argument and there was a picture of mother, I just started smiling. Matlab, wo jo ek, wo start hi nahi ho paya because it laga ki, oh, kis baat pe lad rahe ho, right? Ki tuchhapan usi time dikh gaya. But you know, distance ka kya significance you feel is there? Kind of like, how does it become so significant that it gives the person the chance to be distorted? Actually, you know, Taru, I think the distance is only in the mind. For example, for some of us, the image of mother will do the magic, okay? Because I don't feel now a distance from the mother after I look at the image. Okay, and that is why images are used, usually, the divine images. For some, for others who are more deeply rooted, for them, as if they carry this image within themselves throughout the day and throughout the life, so that distance, and this distance is actually only in thought. The thought that I am away from the mother allows me to be impure. The moment I shed this thought, how can we shed the thought? Have another thought that I am not away from the mother. Mother is watching me. The moment I believe more strongly that yes, the mother is watching me right now in this moment, this thought will keep me connected to the mother. So thought is the boon and thought is the bane. Yes, yes, that's true. And again, you know, sense of Preeti is sharing that we are so trained to use our sense of sight, you know, as you are saying that image dekh ke tasalli ho jati hai. And that must be used. That must be used. You know, har jagah laga do ki bhule na. Bahut hi badhiya hai tu. Ki kahin bhi bach ke na jaane pao. Aur mujhe yaad hai, you know, one of my relatives used to say ki bedroom mein divine image nahi honi chahiye. And I was actually taken aback. मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. अब आप देखिए इसका औचित्य क्या है? बेडरूम में क्या होता है? उसको हम अपवित्र मानते हैं क्योंकि हमारी इंटेंशंस ही अपवित्र होती हैं. So I don't want to, you know, open that to the divine. I don't want to reveal it to the divine. But I want to keep on continuing doing it. If I really consider it अपवित्र, would I actually keep on continuing doing it? And also shadowing it away from the divine. Ki bhaiya ye to tu dekh hi mat. So wahan bhi lagaiye, bathroom mein bhi lagaiye, har jagah lagaiye kyunki wo to hai hi har jagah. Yeah. Anything else? Taru, aur kuch hai ispe? Sorry, I didn't realize that I was, it wasn't muted. Yeah. Achha. And mother ne to ye bhi bola hai, no? Give me your ugliest of movements, you know, offer it to me. Kyunki jab tak mujhe karoge nahi offer, main uska, you know, karungi kaise, you know, how would I shed light on it? Yeah, that's true. And wahi hota hai na, Preeti, ki pendant to bana liya God ka. पर उसी को भूल गए भूल गए गुस्से में कि गले में एक पेंडेंट भी पड़ा हुआ है जो हार्ट को टच कर रहा है. होता भूलने की आदत हमारी इतनी ज्यादा है कि वो पेंडेंट भी आफ्टर सम टाइम यू एक गहना ही बन के, गहना मात्र बन के रह जाता है. एंड दैट इज व्हाई यू नो आफ्टर वी आर डन विद द आउटर इमेजेस विच मस्ट बी देयर बिकॉज आउटर इमेजेस आर अ मीन्स टू गॉड ओनली वेयर एल्स शैल वी गो. I think more and more kind of effort should be there that even when nothing is there, you are able to feel that deep, deep, deep connect with the divine. The image as if is established within you. The mandir has been invoked. The presence has been invoked within me. Kept on. Just a small statement here. Yeah. But you know what? After now, really... understanding the significance of it, मेरे पास एक ओम का है छोटा सा और बिल्कुल सीधा जाके हार्ट सेंटर पे बैठेगा. अब पहनने ही वाली हूँ मैं. Thank you. Good one. I think I know the significance now. Good one. Yeah. Clearly. Yeah. बहुत सुंदर. Yeah. अब देखो ना अब प्रीति, what a beautiful experience you are sharing, you know, कि अब वो पहले आश्रम में हर जगह होती थी तो you know बड़ा मजा आता था.
एंड मे बी यू नो वन टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि हर जगह है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. अब वो एक पेंडेंट जो आप बता रहे हो जो अभी तक एक जगह कोने में पड़ा होगा, अब उसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, बिकॉज नाउ यू आर क्रेविंग फॉर दिस टच, दिस कनेक्शन. सो दिस इज द ब्यूटी, यू नो. कबीर भी कहते हैं कि जो दिखता नहीं है वो एकदम से प्रत्यक्ष आके दिखना शुरू हो जाता है जब मन ठिकाने पे आ जाता है. ओके, सो लेट्स नॉट गो इनटू कबीर दैट मच टुडे. आई हैव टू स्टॉप मायसेल्फ. या ओके ओके, सो दिस इज क्लियर. आई एम नॉट टेकिंग अप मच ऑफ द डॉक्यूमेंट. Rather just giving you my sharings which I have written here. Yeah, so here Alokda is sharing that our understanding of life, our wishes, our wanting, wish fulfillment from the divine, ki bhai hamari prayers aisi hoti hai na ki ye kar dena, ye kar dena, that is not the correct approach. He may or may not grant it, uski marzi hai. Agar hamari progress ke liye wo zaruri hai dena to de denge, बट अगर प्रोग्रेस के लिए जरूरी नहीं है तो नहीं देंगे. और कभी कभी ग्रांट कर भी देते हैं, यू नो, जैसे बच्चे को खुश करने के लिए कभी कभी लॉलीपॉप दे देते हैं. कुछ लोग हैं वो कभी भी नहीं देते. आई नो सच पीपल, वेरी हार्ड, यू नो. तो कभी कभी मदर कहती है कि समटाइम्स आई ग्रांट योर विशेज, इट्स ओके, बट इट मेनी अ टाइम्स आई डोंट ग्रांट इट बिकॉज नॉट ग्रांटिंग इज मेकिंग यू प्रोग्रेस फर्दर. And what is important for me, mother says, is your progress, not fulfilling your desires. So, kabhi kabhi main de bhi deti hu, but then I know what is important for you. Yeah. Yes. Yeah, and let's touch upon this, which Taru was sharing. Let God's will be done and not mine. He knows what is the best for us. तो अगर मुझे अपने सरेंडर में कमी दिखती है तो यहीं पे होगा. और ये बहुत ही सुंदर है कि हमें रेजिस्टेंस का दिखना शुरू हो गया ना. मुझे दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जब मैं बोलती हूँ नॉट माइन. इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी चाहतें छुपी हैं. और बहुत अच्छा है कि ये दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है कि ये दिख रहा है, क्योंकि यूजुअली हम और हमारी चाहते नहीं होती, ये दो होते ही नहीं है. यूजुअली जो हमारी जिंदगी जिस तरह से चलती है उसमें सिर्फ हमारी चाहते ही हमें जी रही होती हैं, हम होते ही नहीं है कहीं. सो ये दिख पाना कि एक मैं हूं और एक मेरी चाहते हैं जिनको एक्चुअली में कोने पे रखा जा सकता है, जिनकी फुलफिलमेंट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ये जान पाना, इस चीज को टच कर पाना, मुझे लगता है दिस इज ग्रेस इन इटसेल्फ, यू नो, दिस इज रियली ग्रेसफुल. एंड देन टेलिंग माय सेल्फ, यू नो, टेलिंग, रिमाइंडिंग माय सेल्फ दैट गॉड नोज, द मदर नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी. इफ फुलफिलमेंट ऑफ माय डिजायर इज नॉट गुड फॉर माय प्रोग्रेस, देन लेट द मदर डिसाइड दैट इट शुड बी ग्रांटेड और नॉट. आई एम फाइन कीपिंग माय डिजायर एट बे. कोने में छुपा के रख दी, पड़ी है अभी भी, रहने दो उसको. ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया कि ये पूरी होगी तभी खुश होंगी. या नो, नॉट फ्यूलिंग इट. हाउ डू वी फ्यूल अ डिजायर? बाय फुलफिलिंग इट. सिंपल, बाय गिविंग इट मोर इंपॉर्टेंस. कि हाय मूड खराब कर लिया आज, मेरी डिजायर फुलफिल नहीं हुई आज, मैं बड़े सैड मूड में हूं. दिस इज हाउ वी गिव इट इंपॉर्टेंस. एंड हाउ डू आई नॉट गिव अ डिजायर द इंपॉर्टेंस? इवन इफ माय डिजायर इज अनफुलफिल्ड, I am in the best, joyous, internal joy, not the happy, happy outer joy. The best joyous state that is possible. ये desire से बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका है. उसको कोने में बिठाने का बहुत अच्छा तरीका है. कि तू बैठ, मुझे पता है तू है, but इतनी भी जरूरी नहीं है तू. तेरे से ज़्यादा जरूरी काम है ज़िंदगी में. And this actually can happen when we offer ourselves to higher works. हमें हमारी डिजायर्स, इच्छाएं, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस तब तक नहीं छोड़ती जब तक हमारे पास जिंदगी में कुछ और है ही नहीं करने के लिए. तो अब मैं क्या करूं, बार बार दिख रही है, सुबह से शाम तक बैठी हूं घर में, कुछ और काम नहीं है, खाना पीना हो रहा है. हाँ,
अब मुझे वो बार बार कोने में बैठी हुई दिख रही है यार, ये तो पूरी नहीं हुई, है यार ये तो पूरी नहीं हुई या और अगर मैं अपने आप को झोंक दूं इन द वर्क्स ऑफ द डिवाइन, तब बार बार उस पर नजर ही नहीं जाएगी कि पड़ी है कोने में, बीच में ऐसे चार घंटे होंगे जिसमें भूल गए. सो दिस इज द कैच इज टू झोंको अवर सेल्व, टू गिव अवर सेल्व, टू रिक्वेस्ट द डिवाइन प्लीज यूज मी. Otherwise, this life is going to be a waste life, wasted life. So please use me. Consciously offering myself, you know. I am available. Please use me. Show me the way. Please use me. So get used by the divine. That is the best way of keeping desires away. Ab phir mushkil nahi hogi ye bolne mein, let's, you know, let thy will be done. Kyunki ab to kuch hai hi nahi. फिर से आ गए हम उस दोहे पे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह. अब ये वो हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उनके बचा ही नहीं वो बंदा जिसको कुछ चाहिए हो सकता है, क्योंकि बंदा तो दे दिया गया, सौदा कर लिया, मैंने अपने आप को दे दिया, डोनेट कर दिया टू द डिवाइन. अब जब कुछ बचा ही नहीं तो चाह कौन करेगा और चिंता कौन करेगा. यस, अब मुझे मुश्किल नहीं होगी ये कहने में लेट दाई विल बी डन. सो अलोंग विद बीइंग सेल्फ ऑब्जर्वेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गिव अवर सेल्स अवे टू द डिवाइन वर्क, एंड ऑल ऑफ अस हैव अ डिफरेंट वे ऑफ बीइंग यूज्ड अप बाय द डिवाइन depending on what are our inherent capacities. किसी के लिए हो सकता है कि झाड़ू लगाना is the way he has given himself to the divine. No work is little or more. That depends on the inherent latent capacities of each one of us, and that is the way each one is unique, special, to be used by the divine for a particular purpose in life. बट वो हमें तब तक नहीं पता लग पाएगा जब तक हम दे ना देंगे, और उस देने में ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि अच्छा मैं दे तो रही हूं लेकिन ना मुझे लगता है मेरे में ये वाला टैलेंट है तो मुझे ना इस डायरेक्शन में जरूर यूज करना, ना बिल्कुल भी नहीं. देयर ऑल्सो आई हैव गिवन अप माय चाह. यू यूज व्हाट यू डीम फिट द मोस्ट. यू हैव गिवन बर्थ टू मी, हु विल नो बेटर देन यू. एक माँ को अपने बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता होती है, चाहे वो बोले या नहीं बोले. कुछ कुछ बातें तो बहुत दबी लेयर्स में होती हैं एक माँ के, उसी को पता है सिर्फ कि इस बच्चे की क्या ये टेंडेंसी कहाँ से आ रही है. यू नो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, व्हेन आई वाज लैक्टेटिंग, व्हाटएवर यू नो व्हाट थॉट्स वर गोइंग ऑन इन माय माइंड, आई नो वेयर एग्जैक्टली दिस टेंडेंसी ऑफ दिस लिटिल चाइल्ड ऑफ माइंड इज कमिंग फ्रॉम. Only a mother can know that. So the mother knows the best in what way we are to be used. There also we don't have to dictate any terms. And then I can easily say, let thy will be done. Yeah. I'll just share. अभी आपने बात करी ना झाड़ू पोछे की, शायद I think you just made that statement. तो एक भैया याद आया आश्रम में, इतनी सिंसियरली सफाई करते थे एंड बाद में मुझे पता चला कि उनका एक बिजनेस था. ही वाज यू नो ही वाज स्लाइटली फिजिकली चैलेंज बट ही हैड हिज ओन फैमिली बिजनेस ऑफ गारमेंट्स. और वो सफाई करने आश्रम आते थे, सारा दिन रहते थे और इतनी मतलब बहुत ही सिंसियरिटी से करते थे. एंड द अदर थिंग दैट जस्ट स्ट्रक मी व्हाट वाज दैट सॉरी आई एम फॉरगेटिंग आई मिस्ड इट. Something came to my mind. Come again. Later maybe. Yeah. Oh yeah, yeah. It comes. Yeah, when you're saying कि वो desires खत्म हो जाते हैं. So जब बहुत मतलब I've gone through that phase. वो desires खत्म हुए तो आप इतने बड़े misfit हो जाते हैं. वो एक और एक challenge शुरू हो जाता है. So given by mother's grace. No, but then Preeti, one has to again go in. You know, अभी जैसे आपने बोला ना
कि डिजायर खत्म हो जाते हैं तो मिसफिट हो जाते हैं. अब यहाँ भी एक डिजायर आ गई फिट होने की. नहीं, हाँ नहीं है वो डिजायर, नहीं है वो, एक चैलेंज है. चैलेंज है क्यों, फिट होना क्यों है? छोटा सा एग्जांपल बोलती हूँ कि I mean my family is very fond of going out and eating. मेरे लिए वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है. बट जस्ट टू बी विद द फैमिली मैं अपने आप को मना लेती हूँ कि हाँ चलो लोगों के साथ, परिवार के साथ बैठना है. मे बी दे लाइक इट, सो लेट्स जस्ट गो विद देम. बट अंदर से बहुत मतलब एक फाइट उठती है, यू नो, बिकॉज I think I can do something else with that money and that time and the energy. अच्छा, but things like that. बताओ. हाँ. यहीं पे हूँ अभी मैं आपके साथ ही, आपको छोड़ नहीं रही हूँ. तो जो अभी तक हमने करा है, जो सुना है, जो करा है, अब उसको सुनने और करने के बाद जब आप next time जाओगे, या तो देखो दो चीजें हो सकती, या तो you are able to say no. हाँ. If you are not able to say no, even then you can make it beautiful. You will tell me how to make it beautiful. Yeah, I know. I mean, taking mother along, I mean, maybe that's what God's will is right for the time being for me. हाँ, फिर कैसे जाओगे बताओ, अपनी स्टेट एक्सप्रेस करो मुझे. खुशी से ही जाऊंगी. तो मैं आपकी वो फैमिली रिलेटिव हूँ या फ्रेंड हूँ जो मैं आपको खींच के ले जा रही हूँ, चल प्रीति खाने चल, ठीक है? How are you feeling in the being? Actually, तो मैं अपनी जगह ले जाना चाहूंगी तुम्हें खिलाने के लिए. Not a five star. I would rather go to a humble place, you know, just to enjoy the meal. No, but I don't like your places. You come with me. The place where I want. तो फिर आप क्या करोगे? What is happening within your being? Just to be with the family, मैं जाती हूँ फिर. हाँ. Just to be with my friend, you know, just for her company or just for. हाँ. Otherwise, मेरे लिए मैं I don't feel very nice about it. हाँ हाँ. तो अब हम करेंगे experiment, प्रीति, और next time आप share करोगे कि मैंने ये किया, ठीक है? Okay. Experiment ये करेंगे कि दो बातें हो सकती हैं, या तो आप में इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप बोल पाओ नो, एंड देन इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इफ इट इज अ रियल फ्रेंड और रियल फैमिली देन ही वुड अंडरस्टैंड, ही और शी शुड अंडरस्टैंड दैट यस आई हैव, आई नीड माय स्पेस. ओके ओके. इन केस यू डोंट हैव दैट करेज टू से नो, विच कैन हैपन विद मेनी, देन आई विल ऑफर, आई विल टेक 5 minutes इन माई डायरी. I will write to the mother, not say in my mind. I will write to the mother, mother, ये मेरे को जाना पड़ रहा है, लेकिन ना मैं जाना चाहती नहीं हूँ. And then go. Yeah. And then see what happens. No, take, remember the mother on and on again throughout the lunch or dinner, whatever. Mother, this is for you. Mother, I'm eating for you. No, mother, I'm talking for you. And then you tell us. Reshare the experience whenever. Okay. Yeah. Sure. Yeah. Okay, thanks. Beautiful. Thank you. Okay, so here, when we are talking about, you know, maybe if the divine's will is to, is that I have to go through a challenge, an issue, then a streak of faith, a solid streak of faith has to be there. If you want me to go through this darkness, so be it. I will go through it. Because you want me to go through it, I will go through it. कहीं ना कहीं हर चैलेंज के पीछे बहुत सारी प्रोग्रेस छुपी होती है. And there mother is saying, you know, I give my joyful and serene adhesion to the circumstances which are to translate this law and will. I think I found this really very beautiful. अगर उसमें कुछ सो कॉल्ड सोशल सत्यानाश भी हो जाए, देखो सोशल सत्यानाश क्या होता है, अगर हमारे यहाँ कोई डेथ होती है, वी डोंट कंसिडर इट नाइस. अगर हमारे यहाँ कोई एक डिवोर्स होता है, वी डोंट कंसिडर इट नाइस. अब अगर हमारे यहाँ यू नो कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी बातें होती हैं, वी डोंट कंसिडर इट नाइस, जिसको हम उल्टा पुल्टा मानते हैं. तो मदर यहाँ पे तो उन्होंने अपनी मदर ने बोला कि मैं तो तेरे को पूरी की पूरी अपनी वो दे दी है कि तेरे को अपनी विल कराने के लिए जो भी सर्कमस्टेंसेस से मुझे निकलवाना है, आई अलाउ, यू नो, विच आई गिव इन एडवांस माई एडिशन, एज इफ मैंने साइन कर दिया पेपर पे, बिना देखे, ब्लाइंड चेक,
अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए टू अडेयर टू द डिवाइन्स विल, आई वुड नॉट इवन थिंक वंस अगेन. एंड दिस इज वाई आई थिंक इन द बिगिनिंग, यू नो, आई थिंक इन द लास्ट प्लेयर वेयर गुरप्रीत जी वॉज सो ब्यूटिफुली शेयरिंग, यू नो, कि मैं जब करती हूँ कि जो तू चाहता है वही हो, तो हल्का सा एक डर आता है. अब यहाँ पे वो डर भी खत्म हो जाएगा. एंड अगेन गोइंग बैक टू द साइकिक बीइंग, बिकॉज जब तक साइकिक बीइंग फ्रंट में नहीं आएगा, डर बना रहेगा. ईगो तो जीती ही डर में है ना, उसको टूटने का डर है. सो इफ आई अलाउ माई सेल्फ टू शैटर एंड ब्रेक इन ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, देन आई एम अलाउिंग द डिवाइन विल टू हैपन. कराओ मुझसे जो कराना है. टूटना है, टूट लूंगी. घर से दूर जाना है, चली जाऊंगी. बच्चे से दूर जाना है, चली जाऊंगी. तुम्हें पता है जो हमारे लिए अच्छा है भाई, शायद हो सकता है उस बच्चे के लिए मेरे से दूर रहना अच्छा है. तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं बीच बीच में पढ़ूं क्यों? सो दिस, यू नो, दिस हैज टू बी एन ऑन गोइंग कॉन्वर्जेशन विद द डिवाइन. दिस कैन नॉट हैपन वंस इन अ वीक. या so now this is also you know talking about the slave, the divine slave, you know, mother says this word also, being a divine slave of the divine. Ek gulam jo hota hai, gulam bilkul bandha hota hai, uski chained hoti hai. Gulam ki, you know, pair wear haath waath chained hote hain jahan uska malik chahe. Like kabir says, you know, kabir kutta ram ka motiyan mera ram, jahan khichta hai main chala jata hu. Not exerting my own will at all. Yeah. And all the confusion and all the bhasad in life, all the bitter struggle as it is put in the document, you know, this happens where I am struggling with the divine will. Then this happens, the bitter struggle. Ki main kuch aur chah raha hoon apni zindagi se aur ho kuch aur raha hai aur hum dono lage hue hain ladne jhagadne mein. और मोस्टली हमारी लाइफ ऐसे ही जाती है. या एंड देन मदर इज सेइंग, व्हाई डिटरमिन दैट सच एंड सच अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस शैल बी द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ योर विल. मैं ऐसा डिटरमिन ही क्यों करूं? मैं ऐसा कैसे डिटरमिन कर लूं कि ग्रोइंग थ्रू एन इलनेस कैन नॉट बी गुड फॉर मी? कौन मुझे बता रहा है? सिर्फ सोसाइटी तो बता रही है, क्योंकि समाज जिस तरीके से इलनेस को लेता है, लोग पिटी करते हैं ना तुम्हारे ऊपर. दे पिटी एट यू. अच्छा, बीमार हो गए, यू नो, मे बी गोइंग थ्रू एन इलनेस, गोइंग थ्रू पेन, लॉस, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ जर्नी, अ डीपनिंग प्रोसेस टू टच द डिवाइन गॉड हेड विद इन. सो व्हाई शुड आई मेक कि दिस इन दिस सर्कमस्टेंस शुड हैपन ओनली एंड ओनली देन द डिवाइन ग्रेस इज विद मी, अदरवाइज द डिवाइन इज नॉट विद मी. Why should I say that? Mother is saying. So even when, if I am in such a state, even when I am going through a loss, a pain, an illness, I can keep the right attitude, which is to abide by the divine will each moment. Yeah. And then mother says further in the prayer, why not employ all one's energies solely to will in the calm of an inner confidence that it may be thy law which triumphs. Mujhe jeet nahi chahiye, mujhe to hara tu jitna harana chahta hai. No, thy law which triumphs. Actually hame jeet chahiye hoti hai na, hamari ego ko jeet chahiye hoti hai, tabhi hum dhakke khate rehte hain. Thy law which triumphs everywhere and always over all difficulty, all darkness, all egoism. और ये कोई बाहरी egoism नहीं है, ये मेरा ही egoism है, मेरी ही darkness है, मेरी ही difficulty है. May thy law triumph over all that. And reminding ourselves at this moment again that when I am not abiding by the divine law, there is a huge arrogance in me which wants to say, I know better.
I know better. This should be the way, and that cannot happen. I know better than the divine. Huge egoism. Even situations, you know, when situations are happening which are not according to our preference, take mother's name and go ahead. Because we don't know what is important for us. Mother is throwing this challenge up in front of me so that either I can develop the strength, courage to know what I really want to do in my life at this moment, or go and discover what progress needs to be done facing that challenge, facing that situation. And then Mother says that when I do this, when I take this attitude, the right attitude to abide in thy will, then how the horizons widen. As soon as we learn to take this attitude, I think this is the beauty, this is a byproduct of giving yourself to the divine, because you actually become limitless. Only ego is limited. Once you have offered yourself to the divine, to fir wo jo karayega karenge na. फिर हमारी प्रेफरेंस थोड़ी ना रह जाएगी कि ये करूंगी और ये नहीं करूंगी. हाउ ऑल केयर्स सीज एंड गिव प्लेस टू एन इनवेरिएबल, जो बिना वेरिएशन के. अभी तो हमारी लाइफ में बहुत वेरिएशन है, कभी मेडिटेशन में अप हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं. इनवेरिएबल इल्यूमिनेशन टू द ओमनिपोटेंस ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस. Because the only interest I have is to be in the feet of the Lord, at the feet of the Lord. That is my only interest. Rest all is happening out of a disinterestedness. And that brings lightness in the being. That sheds our burdens off. Yeah. So this is, Mother is saying, you know, to live constantly in communion with thee. Not saving, जैसे मैं बाहर गई लोगों के साथ, friend के साथ. Offer it to the mother. Mother, I am going with friends. You be there. Mother, be with me. I offer this going to you. Yeah, and Mother is saying that this, you know, this, in order to run with nimble steps towards the only goal which is worth attaining, which is the triumph of thy divine law. The only goal that is worth attaining in this human life. All energy is going in just one direction, the triumph of the divine law. Only the divine knows what is good for the earth, for the human existence. May thy law be done, not mine. So here Alokda shares that this is a prayer of liberation or from all the bondage, you know. All the actions, all the purpose is just inclined to the divine. And I was just wondering, you know, if this is not making life a prayer, then what is? You know, this is actually, the life itself is becoming a prayer. I am not giving like 10 minutes of my life to prayer every day. My life has become a prayer. What a beautiful thing. So I would like one of you to take up, read this prayer if you want to, or if ask, if anything you have, you can ask beforehand. And in the end, we can read this prayer and then we can sign off. Yeah. Akkad bakkad karu? Let me do that. अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो 80-90 पूरे से सौ पचड़ा धागा चोर निकल के भागा मम्मी लाई बिस्किट सांप बोला वेरी गुड. गुरप्रीत जी, आपके ऊपर आया है. ओके समय यू शेयर योर स्क्रीन. यू हैव नॉट शेयर्ड द स्क्रीन मोनिका. नहीं है क्या? मैं तो की हुई है शेयर. अच्छा, समहाउ इट्स गॉन. एनीवे मैं अपने फोन से पढ़ लेती हूं, नो प्रॉब्लम्स. या One sec, As each morning my aspiration rises towards thee, and in the silence of my satisfied heart, I ask that thy law of love may be expressed, thy will manifested, and in advance I give my joyful and serene adhesion to the circumstances
which are to translate this law and this will. Oh, why be restless and demand that when oneself is concerned, things should go in a particular way and not in another? Why determine that such and such a set of circumstances shall be the best possible expression, and then throw oneself into a hard struggle so that these possibilities may be realized? Why not employ all one's energy solely to will in the calm of an inner confidence, that it may be thy law which triumphs everywhere and always over all difficulty, all darkness, all egoism? How the horizons widen as soon as we learn to take this attitude. How all cares cease and give place to an invariable illumination to the omnipotence of disinterestedness. To will what thou willest, O Lord, is to live constantly in communion with thee. It is to be liberated from all contingencies, to escape from all narrowness, to fill our lungs with a pure and healthy air, to be rid of all useless fatigue, to be lightened of all cumbersome weight, in order to run with nimble steps towards the only goal which is worth attaining, the triumph of thy divine law. O Lord, with what a happy confidence I salute thee this morning. Beautiful. Thank you. Thank you so much, Monica. Thank you. Thanks, everyone. Thank you, Monica. Thank you, Shilpi.